जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण वहां पर सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में इस वजह से पारा काफी नीचे चला गया है। दिल्ली में तापमान न्यूनतम 6 डिग्री रहा तो वहीं अधिकतम तापमान 20 डिग्री पर जाने की संभावना है। बता दें कि पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी के कारण वहां से चलने वाली हवाओं की वजह से पास के मैदानी राज्यों में ठंड बेहद ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण मैदानी राज्यों में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर समेत सभी मैदानी इलाकों में बेहद ज्यादा ठंड पड़ रही है, जिस वजह से यहां पर रहने वाले लोगों को शीत लहर से बचने का सुझाव भी दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी पारा और गिर सकता है। जी हां, भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय क्षेत्र के राज्यों में और उसकी तलहटी में बसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, नेपाल जैसी जगहों पर बर्फबारी हो रही है। उससे तो यही लगता है कि वहां पर आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दक्षिण तमिलनाडु के 39 क्षेत्रों में अत्यंत भारी बारिश दर्ज की गई है। ये भी कहा गया कि तुतुकुडी, तुरैनवाला, तेनकासी और कन्याकुमारी जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई और दक्षिण तमिलनाडु में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। कहा गया कि 20 से 21 दिसंबर को कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली और तेनकासी जिले में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। देखने वाली बात ये होगी कि लोगों को भारी बारिश से राहत कब तक मिलती है और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर कब तक जारी रहता है, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोगों को आखिर राहत कब तक मिलती है। फिलहाल मौसम विभाग ने ये साफ कर दिया है कि शीत लहर से बचें, क्योंकि भारी बर्फबारी के बीच शीत लहर का सामना जब लोग करते हैं तो फिर बीमार पड़ते हैं, और बीमारियों से बचने के लिए ही मौसम विभाग लगातार अलर्ट दे रहा है।